अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार करने का। ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था 3:07 पे इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर लेंगे, ताकि हमें मैक्सिमम लोग जितना ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो कर लें और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है। और जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आई होप आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। तो चलिए जी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं एक छोटी सी दुआ से। रब्बे जिदनी इल्मा, अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे, आमीन आमीन। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस जी। चले जी, हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमने आज सुबह की ट्रेनिंग जो की थी उसमें हमने स्टेप टू को पार्ट वन में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिटेल्स को देखा था, प्रोडक्ट स्टोरी हमने देखा था कैसे बनती है, फिर हमने ओरिफ्लेम की प्रोफाइल देखी थी, फिर हमने देखा था सोशल कैसे हो सकते हैं और सोशल होके आप लोग अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हमने सुबह सरसरी से जिक्र किया था ओरिफ्लेम में जो बेनिफिट्स हैं उनका, यानी कि किस तरीके से आप लोग अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इसको देखेंगे और फिर हम इसको एक और ट्रेनिंग के अंदर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करते होंगे कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जान सकते हैं और वो तरीकेकार जान सकते हैं जिसके जरिए आप फर्दर अपने नए आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को, अपने टीम मेंबर्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकें। ठीक है, तो चलिए जी आगे चल के देखते हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे। ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा ओरिफ्लेम अकेडमी का न्यू स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको पता ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग जो रीवैम्प हो चुकी है और ये जो हाईलाइटेड लिखा हुआ आ रहा है ये वाली ट्रेनिंग का पार्ट वन अभी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, देखिएगा जी यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी मोटिवेशन की, आपके ख्वाबों की और आपके गोल्स की। आपकी मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन किस तरीके से आप लोग अपनी डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में जान सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब खाली किसी को मोटिवेट करना नहीं होता, जैसे होता है ना मोटिवेट करना किसी को काम करवाने के लिए या एनर्जी लाने के लिए, इट इज नॉट दैट, इट इज टू रिकॉग्नाइज कि आपकी अपनी मोटिवेशन क्या है और वो किस तरीके से आपके ख्वाबों के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो हम ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं वो आपके गोल्स हैं, बेसिकली ये वो वाले प्लान्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ में बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा स्क्रीन पे सबसे पहले थोड़े से फैक्ट्स जो कि हमने सुबह की ट्रेनिंग में भी देखे थे वो हम थोड़े से एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं वो 50 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करती है, 11 मिलियन यूरो का हमने जो उनसे वो फंड रेज करके फीमेल और बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव किया सिंस 2009। इसके अलावा 30 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ ब्रांड पार्टनर के तौर पर एसोसिएटेड है और अपना अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। 12 लाख प्रोडक्ट्स हमारी डेली बेसिस पे खरीदी जाती हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। हम 60 से ज्यादा मार्केट्स में एग्जिस्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो 100% नेचुरल हैं और एक्वाथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के बनाई जाती हैं, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी के साथ आप जुड़े हुए आपका ताल्लुक है, जो कि हमने सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग में भी देखा था। और ये वही डिटेल्स है जो हमने पहले भी देखी थी कि हमारे पास जो उनसे हैं दो भाइयों ने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी, वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस एक्सपेंड हुआ, आज हम यूरोप की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग की, हम सोशल सेलिंग की नंबर वन कंपनी बन चुके हैं यूरोप की थी। ठीक है जी, और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड पावर्ड बाय साइंस का है, और इसके साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, उनकी डिटेल्स हम देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की। व्हाट इज योर मोटिवेशन और मोटिवेशन क्या होती है। अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस उनके मकसद के साथ टू सम एक्सटेंट जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ट्रेनिंग जो कंडक्ट कर रहा हूं इसके पीछे डायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन कनेक्टेड है। मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से आप लोग काम कर रहे होते हैं, द रीजन कि आप लोग काम क्यों कर रहे हैं। और अगर वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल हमारे माइंड में रहता है तो फिर उसका फायदा ये होता है कि आने वाले टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आती हैं, वो हमें रोक नहीं सकती,
क्योंकि हमें पता होता है ये हमारे रास्ते के छोटे छोटे हर्डल्स और रुकावटें हैं जो कि हमने ओवरकम करनी और अपनी जो हमारा मकसद है, हमारा जो गोल है उसकी तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, तो मोटिवेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक लेमैन की लैंग्वेज में भी समझेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मोटिवेशन। वो कहते हैं ओरिफ्लेम में जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके पीछे उनके माइंड में उनके हार्ट में एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, एक ऐसी फोर्स है जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए कायल करती है। आपकी मोटिवेशन आपकी पर्सनल कोई मकसद हो सकता है। देखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे ओरिफ्लेम का विजन है टू बी नंबर वन सोशल सेलिंग कंपनी, मिशन है टू फुलफिल ड्रीम्स, वैल्यूज है टुगेदरनेस स्पिरिट एंड पैशन। अब ये ओरिफ्लेम का विजन है कि वो सोशल सेलिंग की नंबर वन ब्यूटी कंपनी बने। व्हाट इज योर विजन, आपका क्या विजन है, आप क्या आपका पर्पस है, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होके। क्या वो स्टेबल इनकम है, क्या वो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग है, क्या आप लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं, क्या आप वक्त की अहमियत को समझ चुके हैं और आप अपने बाकी के काम के साथ साथ अपने फ्यूचर को प्लान इस वे में करना चाह रहे हैं कि कल को अगर कोई मुश्किलात हो तो बैक एंड के ऊपर आपके पास एक ऐसा बिजनेस हो जिसके ऊपर आप रिलाय कर सके। क्या आप चाहते हैं कि आप एक रनिंग बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकें। तो ये चीजें सारी की सारी आपकी पर्सनल रीजन हो सकती हैं। आपकी पर्सनल रीजन में हज, उमरा, कोई भी चीज जो कि पैसे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, लोगों की बेटरमेंट के लिहाज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, आपकी बेटरमेंट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, दैट कैन बी द रीजन कि आप ओरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मैंने आपको बताया आपके कोई भी सफर में, जिंदगी के सफर में आप कहीं पे जा रहे होते हैं, लैसे कहीं पे किसी के घर जा रहे होते हैं, रास्ते में ट्रैफिक आती है, सिग्नल्स आते हैं, बाजूबात रास्ते में बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग होती है, डिले आ रहा होता है, लेकिन आप वहां से वापस नहीं मुड़ते, आप अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो मोटिवेशन होती है ना, जो आपका मकसद होता है, ये आपको, वो कहते हैं ना, इट कीप्स यू गोइंग बेसिकली, ये आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए मूव करवाता रहता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास आपकी मोटिवेशन आपको क्लियरली पता होगी क्या है, तो आप लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी मुश्किलात आएंगी, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे की तरफ चलते रहेंगे। आपने अपनी मोटिवेशन को इस्तेमाल कैसे करना है ना, हो देखिएगा, सबसे पहले अपनी मोटिवेशन को अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन होती क्या है, सबसे पहले इसका जानना जरूरी है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी मोटिवेशन या जो गोल्स आपके हैं उनकी तरफ ड्राइव करने की फोर्स कहां से आ रही है, आपका मकसद क्या है और आप किस चीज को सक्सेस कहते हैं। मेरी नजर में सक्सेस मुख्तलिफ हो सकता है, आपका सक्सेस मुख्तलिफ हो सकता है, तरीकेकार सोचने का, काम करने का, सब चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हम दोनों के केस के अंदर हमारी मोटिवेशन हमें ड्राइव कर रही होती है। लेकिन सबसे पहले मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप अगर अपनी मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पहले समझे कि मोटिवेशन क्या होती है। तो लेट मी टेल यू, बहुत आसान अल्फाज के अंदर, कोई भी शख्स जब अपने घर वालों को घर में छोड़ के बाहर काम के लिए निकलता है और रिस्क की तलाश में बाहर जाता है, तो उसकी मोटिवेशन उस वक्त ये होती है कि जब वो घर शाम को वापस आए तो उसके पास खाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसके जरिए उसकी फैमिली और उसके घर वाले एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सके, एक जरूरत है। अब उस जरूरत को पूरा करना मोटिवेशन हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि बात खाने की हो, बात रहने की भी हो सकती है, कि आप लोग लेस से ऐसी कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं
ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप अपने घर को बेहतर करें, रेनोवेट करें, नया सोफा लेना चाह रहे हैं, नया टीवी स्क्रीन लेना चाह रहे हैं, नया मोबाइल फोन लेना चाह रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये कोई ऐसी ही चीज हो जो कि मटेरियलिस्टिक हो, इट कैन बी समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है। लेकिन लेट मी गिव यू अ इजी एग्जांपल, आसान एग्जांपल हम इसकी ऐसे लेते हैं कि आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है, जबकि जो मेल हजरात हैं जो कि हस्बैंड या फादर होते हैं बच्चों के, वो बेसिकली अपना जिंदगी का एक मेजर हिस्सा एक दूसरे मुल्क में गुजार देते हैं और वो अर्निंग कर रहे होते हैं वहां पे। अब ऐसी क्या फोर्स है, ऐसी क्या ताकत है जिसके लिए एक शख्स अपने घर वालों को छोड़ के एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए तैयार हो जाता है? वो ताकत, वो फोर्स, वो रीजन आपकी मोटिवेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं अगर आपके बच्चे अच्छी जगह से पढ़े, आप अगर नहीं पढ़ सके, आपके बच्चे अच्छी जगह से पढ़े, वो तरक्की करें, वो समझदार हो, वो लोगों की हेल्प कर सकें, वो इस काबिल हो जाएं कि वो लोगों के लिए सोर्स बन सकें, उसके लिए आप अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के एक दूसरे मुल्क में भी जा बैठ के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पे आप दिन रात मेहनत भी कर रहे होते हैं, ताकि आपके घर वालों का तरक्की का सफर कायम रहे। अब इस सिनेरियो में आपके घर वालों की तरक्की का सफर और जो जरूरी आदतें जिंदगी हैं वो जो चल रही है, दैट इज योर मोटिवेशन। जब आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, तो आपके काम में जब आपका दिल शामिल हो जाता है, दिमाग शामिल हो जाता है और आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो आपके काम में और आपकी जात में पैशन आ जाता है। ये जो मोटिवेशन और पैशन है, ये आपको बेसिकली वो ताकत देता है कि आप अपने मकसद की तरफ, आगे की तरफ बढ़ें, अपना मकसद पूरा करें, आप कामयाबी का सफर अपना जारी रखें। जस्ट लाइक किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल होता है तो वो गाड़ी जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतनी दूर तक वो चल सकती है। आपका पैशन और आपकी मोटिवेशन वो फ्यूल है, वो पेट्रोल है जो कि आपको आगे की तरफ मूव करता है और आप अपने तरक्की के सफर की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे बताइएगा एक दफा कि आवाज कट रही है मुझे, एक मैम फिजा कह रही है कि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम है तो सबको आना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं आप, थैंक यू वेरी मच मैम बिस्मा, थैंक यू वेरी मच मैम परवीन, मैम नोरीन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब आवाज क्लियर है। मैम फिजा, कोई प्रॉब्लम आपके इंटरनेट में होगा जिसकी वजह से आपको आवाज कट के आ रही होगी, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। हम थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि आप अपनी मोटिवेशन को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं और किस बारे में। ये छोटी सी वीडियो है और इसको हम देखते हैं। लेट मी कनेक्ट द साउंड और मैं आपको उसका उर्दू वाला वर्जन दिखाता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ भी सकें और क्लियर भी हो, ऑडिबल भी हो, ठीक है जी। तो मैं इसको आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ और फिर दोबारा हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि ओरिफ्लेम के साथ आपका मोटिवेशन और आपका मकसद कैसे कनेक्टेड है और किस तरीके से वो फुलफिल हो सकता है और किस तरीके से लोग अपने मकासद ओरिफ्लेम के साथ एसोसिएट होके पूरे कर रहे हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू वंस अगेन। मैं आप लोगों के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट सी दिस वीडियो, ये वीडियो को देखते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं जी, ठीक है। आए बात करते हैं कि किस चीज से आपकी हौसला अफजाई होती है। अपना नया दिलचस्प ओरिफ्लेम बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपना कुछ वक्त एक हौसला अफजा चीज को दरियाफ्त करने में सर्व करें। ये अहम है कि अभी आपके पास कुछ वक्त मौजूद है कि आप जायजा ले सकें कि आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या चीज अहम है, ताकि आप अपनी कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के असाइम को तकमील तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ सकें। एक वाज़े मुहर्रिक चीज आपको बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए इकदाम उठाने पर उभारे। ये खानदान के साथ हफ्तावार खाने या सालाना फैमिली के साथ सैर सयाहत जैसी
बिल्कुल सादा चीज भी हो सकती है जो आपकी हौसला अफजाई करे। ये सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि आपके लिए क्या चीज अहमियत रखती है। एक दफा आपको अपने हौसला अफजा चीज का इल्म हो जाए तो जरूरी है कि आप कुछ वक्त निकाल कर अपने अजाइम और अहदाफ को लिख लें, फिर आप उनको अपने इर्द गिर्द ही रखें ताकि आपकी जान तहानी होती रहे कि आप किस लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए हाल और मुस्तकबिल में क्या चीज अहम है। क्यों आप ओरिफ्लेम के साथ अपना नया बिजनेस कामयाब चाहते हैं? कुछ वक्त निकालकर अपनी हौसला अफजाई करने वाली चीजों को लिख लें और उनको हमेशा अपने सामने रखें। तो मैं ग्लोबल बिजनेस के साथ काम करने का मौका तलाश कर रहा था जो कि मेरे दूसरे लोगों की कामयाबी को अव्वल पे रखने जैसे इकदार और जज्बे में हिस्सा डाले। और मैंने ये दरियाफ्त किया कि ओरिफ्लेम बिल्कुल कुदरती अज्जा को इस्तेमाल करते हुए आला मयार की स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। इस सब ने मुझे काफी मुतासिर किया, इसने मुझे कामयाबी वाला एहसास हासिल करने में मदद दी और आजादी की अहमियत और अपने प्यारों खास तौर पर अपने बच्चों के साथ अपनी मर्जी की चीजें करने के लिए वक्त की अहमियत का भी एहसास दिलाया और मुझे लोगों को उनके ख्वाब और अजाइम का एहसास दिलाने के लिए भी मदद और सहारा देने का मौका दिया। तो अब आपकी बारी है, आप इतनी हौसला अफजाई खुद कर सकते हैं ताकि आप रोज अपनी कामयाबी के लिए कदम उठाए। उन सब चीजों को जो आपकी हौसला अफजाई करती हैं उनको लिख लें, बेशक अपने मोबाइल, ऑफिस या एक आम नोटबुक पर ही, और फिर आखिर पर अपने स्पॉन्सर और अपलाइन मैनेजर के साथ मिलकर अपने हौसले को बढ़ाएं और एक प्लान बनाएं जो कि आपको इस काबिल बनाएगा कि आप वो बन सके जो आप चाहते हैं। गुड लक जी। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है इसमें जो इम्पोर्टेंट एक मैसेज था वो थोड़ा समझ आया होगा। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं और फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस बढ़ते हैं। देखिएगा, आप क्या ये चाहते हैं कि आप वीकेंड्स के ऊपर अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर या लंच के ऊपर जाएं, वीकेंड के ऊपर आप अपने फैमिली अपने बच्चों को अपने पैसों के ऊपर आप कोई आउटिंग करवाएं, या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कोई इवेंट आने वाला है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है, आप अच्छे कपड़े बना सकें, आप सपोर्ट कर सकें लोगों को। तो ये सारी चीजें कौन सी है ना, बेसिकली ये आपकी मोटिवेशन के साथ कनेक्टेड है। ये सब चीजें आपकी मोटिवेशन हो सकती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इट कैन बी एनीथिंग जो कि आप करना चाहते हैं जिंदगी में। और देखें, जिस तरह आप अपना लाइफ में कोई आपका मकसद है, कोई चीज आपको एक्साइट करती है, कोई मकसद है, कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है, कोई डिजायर है जो कि आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको लिख लें और फिर उसके मुताबिक आप प्लान करें चीजों को, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जैसे हमारे पास आपके पास टीम बनती है, नए लोग आते हैं, दो तरीके हैं वो नए लोगों के एंटर होने के और उनका फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप करने के। एक तरीका कार ये है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिसके अंदर आप बताते हैं 100 BP का ऑर्डर प्लेस करो ताकि मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, तुम भी आगे जाओगे, तुम्हें भी फायदा होगा। लेकिन हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में एक चीज होती है कि अगर कोई भी शख्स मेरी टीम को ज्वाइन करेगा तो मेरे नंबर ऑफ बीपीज भी ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा गलत है या ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हर शख्स के पास ओरिफ्लेम में आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक जितना मौका है। और अगर आप इसको सही तरीके से कैश करेंगे और राइट वे में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इसका ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नया टीम मेंबर इंडक्ट होता है या मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये शख्स मेरे साथ बिजनेस कर सके और मैं अपनी टीम एक्सपैंड करना चाह रहा हूं, आप उससे बात करके मैं ओरिफ्लेम के बेनिफिट्स बता के फिर उसको काम बता दूं, उससे बेहतर अप्रोच ये है कि आप उस शख्स को उसकी मोटिवेशन डिस्कवर करवाएं, पहले उससे पूछें कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर वो कोई भी काम या अपना बिजनेस करना चाह रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या उसको टाइम का प्रॉब्लम है, क्या वो आगे बढ़ने का उसको को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, या उसके पास पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसका ख्वाब क्या है,
वो क्या चीज फुलफिल करना चाह रहा है अपनी लाइफ के अंदर, क्या अचीव करना चाह रहा है अपनी लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे ऐसा लगता है, खुल के बात करना, मेरा ऑनेस्टली का मतलब यह करता मैं ऑनेस्टली बात ही हूं, लेकिन खुल के बात करूं अगर मैं, देखिए हमारे पास एक कॉमन चैलेंज है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। वो कॉमन चैलेंज ये है कि फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनकी लाइफ मेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है टू सम एक्सटेंट, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि फीमेल्स मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं ऑलरेडी लाइफ के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही होती हैं जिसका एट टाइम्स बहुत से लोग थैंक यू भी नहीं कहते। आपका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है एज अ फीमेल। आप बात ये है कि इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद जॉब करना, बिजनेस करना हमारे बस से बाहर हो जाता है। मैं एज अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि टाइम नहीं होता। अब ओरिफ्लेम के अंदर आपको टाइम भी मिल रहा है, एक ये फायदा है, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं, लेकिन डिजायर आपके माइंड में होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन कितनी स्ट्रांग है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा था, तो मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूं, हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है बहुत सारी चीजों पे फीमेल्स की मेल्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मेल्स की डिपेंडेंसी होती है, इसी तरह फीमेल्स की भी होती है। वो डिपेंडेंसी क्या होती है, बाहर जाना है तो हमें देखना पड़ता है, फीमेल्स को देखना पड़ता है, ठीक है। मैं हमें बार बार कह रहा हूं, आई एम नॉट अ फीमेल, लेकिन बताने का मकसद ये है कि फीमेल्स को देखना पड़ता है मेल्स की तरफ, पैसे चाहिए हो, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो फादर की तरफ, हस्बैंड की तरफ, बच्चों की तरफ, एट टाइम देखना पड़ता है। ये जो ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको वो इंडिपेंडेंस देती है कि आप अपनी मल्टीटास्किंग के अंदर, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर खुद ऑनरशिप लेके एक बिजनेस रन कर सकते हैं। और आप अगर लेस से वेल सेटल्ड भी हैं, आपके पास लेस से इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी है, पैसों का कोई तंगी नहीं है, लेकिन एक जो अपनी अर्निंग की सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, वो उसके, ये वो लोग जो कि इसको महसूस कर चुके हैं वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, अपना खुद काम करके मेहनत करके जो आप पैसा या सिला आपको मिलता है उसका, मैं कहता हूं कि उसका अपना ही एक मजा है, उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट है। अब अगर आप लोग इस तरह इस काबिल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर मेरे वालिद को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को कभी जरूरत पड़े तो मैं उनको सपोर्ट कर सकूं फाइनेंशियली, तो आई थिंक कि दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और बहुत सारी फीमेल्स जो के जिनके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि बाहर नहीं जा सकती, जिसमें जिनमें जोन्स है, जिनके पास टाइम ही नहीं है घर से बाहर निकलने का, घर को संभालना इज अ फुल टाइम जॉब, उनके लिए ये अर्निंग करना और बाहर जाना, नौकरी ढूंढना, बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के जरिए आप बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। अगर लेस से आप आज प्लान करते हैं, अपनी मोटिवेशन को डिस्कवर करते हैं, आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, गुजारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, शुक्र है खुदा का, अब मैं चाहती हूं कि मैं खुदा की बनाई हुई दुनिया को एक्सप्लोर करूं, मैं थोड़ी दुनिया के उन हिस्सों को देखूं जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे, और अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली को साथ लेके जाऊं। उसके लिए आप अपना बजट बनाते हैं, आप कहते हैं अच्छा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, और मैं अपना 1 साल या 2 साल का प्लान बनाती हूं कि मैंने 2 सालों में 10 लाख रुपया अर्न करना है और सेव करना है, ठीक है। अर्निंग ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, 20 लाख अर्निंग होगी, फिर जाके 10 लाख सेव होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो आप कहते हैं कि मैंने 2 सालों में अर्निंग इतनी करनी है और इतनी सेविंग करनी है, आप एक प्लान बना लेते हैं, और 2 साल बाद लेस से आप कहते हैं मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, मैं प्राइवेटली जोन से वो ट्रैवल करूंगी, अपने बच्चों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ उमरा परफॉर्म करूंगी, हज करूंगी, या मैं हज कराऊंगी किसी को, या कहीं पे जाना है हमने इकट्ठे एज अ फैमिली, तो या कराची का टूर करना है, या इस्लामाबाद का, या लाहौर का, एनीथिंग यू प्लान। ये छोटा प्लान भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। तो आप इस काम के जरिए
ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं, और ये यानी कि नामुमकिन नहीं है, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। और आप अगर वंस इस बिजनेस को समझ जाएं तो आप बहुत आसानी से प्लान कर सकते हैं। अब वंस अगेन अगर आपको मकसद होगा ना आपके माइंड में कोई, तो फिर आप उसमें डटे रहेंगे। जो काम आप मजबूरी में करते हैं वो कभी भी उस लेवल पे नहीं हो सकता जो कि आपके दिल से एक आवाज आए आप उसके लिए काम करें। लिहाजा वो जो आपके दिल से आवाज आती है, जो आपकी एम्बिशन होती है, वो चीज आपको मोटिवेट करती है और आगे की तरफ लेके जाती है जिंदगी के रास्ते में, और आपके गोल्स को पूरा करती है। तो आपने देखना है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। आप जो भी अपना मकसद बनाए उसको लिख लें एक दफा, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है जो भूलता रहता है बार बार। हम सबका एक कॉमन मसला है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। भूलने का मकसद ये नहीं होता कि हमें याद ही नहीं रहती, मकसद ये होता है कि जिस पैशन के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ हम आगे चलने के बारे में डिसाइड करते हैं ना, जब हम कहते हैं ना लो जी अब मैं ये करके दिखाऊंगा, वो एक दिन गुजरता है, दो दिन गुजरता है, साथ ही हम आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, वो फायर खत्म हो जाती है हमें। उसके लिए अगर आप अपना मकसद लिख लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और वंस अगेन ये चीज हमें स्टडी बताती है, एक वो काम जो आप लिख लेते हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है, उस काम के मुकम्मल होने का ज्यादा चांस होता है, आपको रिमाइंडर रहता है कंटिन्यूसली। अगर आप कोई भी मकसद है आपका, आप उसको लिख लें लाइफ का, आपको क्या चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या चीज आपको लाइफ में खुशी दे सकती है, इस चीज के बारे में आप लिखें और जानें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह जैसे मैं बता रहा था, नए लोगों को जब आप इंडक्ट करते हैं उनसे भी पूछें कि वो क्या चीज है जो अचीव करना चाह रहे हैं, उनको हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वो चाहते क्या है। पहले खुद जाने, फिर उनसे पूछे, और फिर उनके लिए उसके मुताबिक प्लान बना के दे दे उनको। एक शख्स कहता है 2 लाख रुपया मुझे मंथली इनकम चाहिए, उसके लिए प्लान डिफरेंट है, 1 लाख रुपए के लिए प्लान डिफरेंट है। और आपने फोकस करना है अपनी स्टेबल इनकम के ऊपर, वो कैसे होती है, आपकी कमीशन से, बोनसेस से, टाइटल से, ठीक है जी, ये सारी कनेक्टेड चीजें, बाकी चीजें आपको एज अ पर्क मिल रही होती है। अब हम देखेंगे हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कौन कौन सी चीजें हैं। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी मोटिवेशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है और आपके गोल्स को पूरा करने में हेल्प देती है। आप अपना जो भी गोल सेट करना चाह रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको सक्सेस लेटर नजर आ रहा है, यहाँ पे हर लेवल के ऊपर डिफरेंट इनकम है। आपने जो भी अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मैं सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट गोल डायरेक्टर आपको रखना चाहिए, मिनिमम गोल डायरेक्टर रखना चाहिए। ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर के 4 स्टेट्स नजर आ रही हैं, जिसमें डायरेक्टर, गोल डायरेक्टर, सीनियर गोल और सफायर डायरेक्टर आ रहे हैं, इसमें सेकंड स्टेप के ऊपर गोल डायरेक्टर है। जब आप गोल डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपकी इनकम स्टेबल होती है उस वक्त, ठीक है। तो आप अपना ये मकसद रखें और फिर आप ना सिर्फ आपकी इनकम अच्छी होगी, बल्कि आप इंटरनेशनल ट्रिप, जो हमारा लंदन का टूर है, उसको भी क्वालिफाई कर सकेंगे बहुत ज्यादा। आप गोल डायरेक्टर बनते हैं ना जब, तो आप जिस साल गोल डायरेक्टर बनते हैं पहली दफा, उस साल तो आप 100% क्वालिफाई कर जाते हैं ना। बाकी भी अगर आपने गोल डायरेक्टर मेंटेन किया होता है तो प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी, आप 80-90% हर साल क्वालिफाई कर सकते, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि गोल डायरेक्टर में आपको 18 स्प्लिट्स अगर आपकी कंप्लीट हो रही है एक साल के अंदर ड्यूरिंग क्राइटेरिया पीरियड, तो आप इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको एलसी की भी जरूरत नहीं है, एलसी एक एडिशनल चीज है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो लंदन का ट्रिप आपको एज अ पर्क मिल जाएगा, आप समझ रहे हैं, आपको लंदन जाना है या 3 लाख रुपया चाहिए, ये आपकी मर्जी है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपने डिसाइड करनी है। अब ये देखिएगा व्हाटसोएवर, यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज लिखी है मैम राबिया ने, उन्होंने लिखा है आई वॉन्ट टू बी प्रेजिडेंट डायरेक्टर। वैसे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ साथ साथ ना, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स। आपके जो नाइस आप कमेंट्स करते हैं वो मेरी मोटिवेशन है, मुझे ड्राइव मिलती है उससे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग जो उनसे हैं, जब अपना गोल हाई सेट कर लेते हैं आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ पे मैम राबिया ने लिखा है कि आई वॉन्ट टू बी प्रेजिडेंट डायरेक्टर, अब नाउ दैट इज समथिंग
जिसे हम कहते हैं एम्बिशियस होना, और आई रियली रियली लाइक दिस अप्रोच। अगर आप ऊंचा या बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं सोचते तो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आप अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं मोस्टली लोग, मैं भी अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट हम लोग करते रहते हैं पूरी जिंदगी, साथ साथ हम खुदा से भी बड़ा लिमिटेड मांग रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग खुदा से भी मांगे उतना के, यानी कि आप मांग किसी बंदे से तो मांग नहीं ना रहे जिसकी कोई लिमिट हो और आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो हाई गोल सेट करें, व्हाई नॉट। आपको आपको क्यों नहीं लगता कि आप डायमंड डायरेक्टर नहीं बन सकते? आपको क्यों नहीं लगता कि आप प्रेसिडेंट डायमंड डायरेक्टर नहीं बन सकते? आप प्रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते? आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं जा सकते? यू ऑल कैन डू इट, आप सारे लोग कह सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर हमारे पास ना हमारे नेबर कंट्रीज के अंदर आगे पीछे जितने भी कंट्रीज हैं, ओरिफ्लेम आता है, अगर मैं अपने खाली बात करता हूँ एशिया की, चाइना भी इसके अंदर आ जाता है, तो वहां पर तो प्रेसिडेंट लेवल तक के लोग हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर प्रेसिडेंट लेवल के लोग हो सकते हैं तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? आप मुझे खुद बता दें, क्या क्या हमें किसी चीज की कमी है? अल्लाह माफ करे, क्या हमारे में कोई ऐसे को कैल्शियम की, अल्लाह माफ करे, कमी है, आयोडीन की कमी है? व्हाई नॉट, सिर्फ शायद सोच की कमी है। हम लोग जो है ना वो सोचता थोड़े हैं, हम लोग कितना काम भी नहीं करते वो तो ठीक है, लेकिन हम सोचते भी कम है। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम अपना गोल ही हाई सेट नहीं करते। आपको पता है, एक मैं आपके साथ मेरी एक है लर्निंग, वो शेयर करता हूँ। आपको पता है जब जो पायलट होता है वो जहाज को लैंड करता है ना, वो जहां पे चाहता है ना कि मैं जहाज को लैंड करूं जिस पॉइंट के ऊपर, वो हमेशा जहाज का जो उसका पॉइंट होता है वो उससे आगे की तरफ रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मैंने 3 मीटर बाद जहाज को लैंड कर लेना है, तो मैं 6 मीटर या 7 मीटर का टारगेट सेट करूंगा जहाज की डायरेक्शन, 6-7 मीटर आगे के पॉइंट की रखूंगा, फिर वो 3 मीटर पे जाके लैंड होता है। हमें अपने गोल्स को हाई सेट करना चाहिए और फिर उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हमें सक्सेसफुल होने से, देखिए अल्लाह ताला हमारा साथ दे, कोई नहीं रोक सकता, आप समझ रहे हैं? तो आप सबसे पहले देखिए क्या चीज चाहिए होती है। एक सक्सेसफुल शख्स जो होता है लाइफ के अंदर, उसमें और एक आम शख्स में क्या फर्क होता है? एक सक्सेसफुल शख्स वो होता है जो कि काम को एग्जीक्यूट करता है, प्लान करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, उसमें पैशन होता है, उसकी मोटिवेशन होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, एनर्जी होती है, ब्रेव होता है वो शख्स। ठीक है, और वो शख्स जो कि कामयाब होना चाहता और कामयाब नहीं हो पाता, वो ना प्लान करता है सही, ना वो सोचता ठीक है उस लेवल के ऊपर, ना वो मेहनत करता है। अगर कोई भी चीज मिस हो जाती है तो आपका जो उनका सक्सेस पाथ है, आप उसके ऊपर गामजन ही नहीं रहते, आगे बढ़ते ही नहीं आप अपने गोल की तरफ, तो कैसे आप लोग या हम लोग कामयाब होंगे इसके ऊपर? तो लिहाजा थिंक बिग, पिक्चर का ब्रॉडर व्यू देखें, छोटी पिक्चर एक चीज पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम सेल्फ पिटी में चले जाएंगे, अगर हम इस चीज पे चले जाएंगे, यार मेरे पास तो ये चीज है ही नहीं, ये चीज तो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, यार मैं, मेरे में तो वो, मैंने पढ़ाया ही नहीं मुझे किसी ने, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं लोगों को। आप ब्लेम कर ही नहीं सकते किसी को अपनी जात के अलावा, और अपने आप को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम आपको लगे आपने कोई चीज खराब की है या आपको कुछ अच्छा करना चाहिए था, उसी टाइम से आप एफर्ट स्टार्ट कर दें बेहतरी के लिए, कोशिश शुरू कर दें करने के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें नहीं है, अगर वो उन्हीं की तरफ फोकस करते रहेंगे कि उनके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स नहीं है या मिसिंग चीजें हैं, तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका सिर्फ नुकसान होगा। एम्बिशियस हो, हाई गोल सेट करें और उसके मुताबिक प्लान करें। ठीक है, आपने अपने अपना पॉइंट सेलेक्ट करना है इस सक्सेस लैडर में कि आपने कहां पे लैंड होना है। ठीक है, देखिएगा, डिस्कवर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे और फिर हम एक ट्रेनिंग अलग से भी सेपरेटली भी करेंगे इसके ऊपर कि हम किस तरीके से बोनस को या अपनी कमीशन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं ओरिफ्लेम में क्या क्या मेजर चीजें हैं और बाकी बेनिफिट्स इनके साथ कनेक्टेड हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं जी, एक इसके अंदर हमारे पास आ गई अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। करंट टाइम के अंदर आप हाई मिडिल क्लास से रिच की तरफ भी जा सकते हैं और लो मिडिल क्लास से हाई की तरफ भी, पुअर से मिडिल क्लास या रिच भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप काम कितना करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने दुनिया देखनी है और मोस्टली लोग ये सोचते रहते हैं, देख नहीं सकते। ओरिफ्लेम आपको अपने साथ लेके जाता है और वर्ल्ड की बहुत अमेजिंग डेस्टिनेशंस को ट्रैवल करवा सकता है। तो ओरिफ्लेम पे ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद है। आप कैरियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, टाइटल्स आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके सक्सेस को लोग रिकग्नाइज करें। देखिए, रिकग्निशन हम सबकी लाइफ में मिसिंग होती है मोस्टली। क्या कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत नीयत से करते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, हमें कोई ना इन चीजों के लिए रिकग्नाइज करता है ना कोई अप्रिशिएट करता है। ओरिफ्लेम के अंदर ये चीज आपको मिलेगी कि आपको हर लेवल के ऊपर रिकग्नाइज किया जाएगा आपके हार्डवर्क के लिए, आपको थैंक यू बोला जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको कार्ड्स डिफरेंट जेस्चर्स मिलते हैं, डिफरेंट आपको मेमोरी के लिए ऐसी अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम याद आते हैं जब आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें ओरिफ्लेम आपको ऑफर कर रहा है, जो मैंने आपको बताया सक्सेस प्लान के अंदर। देखिएगा, अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं अर्निंग की। तो अर्निंग वंस अगेन देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, लेकिन ये तो चार चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऑन गोइंग है और ये मेन आप समझ लें कि अर्निंग के जो हार्ड कोर कैश है वो आप इनके जरिए अर्न कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है आपका इमीडिएट प्रॉफिट, फिर आ जाती है परफॉर्मेंस डिस्काउंट, फिर आ जाते हैं बोनसेस और फिर आ जाते हैं कैश अवार्ड। अब मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर बता रहा हूं, अगर आप लोग अपनी इनकम जल्दी अर्न करना चाह रहे हैं और आप जल्दी कैश हासिल करना चाह रहे हैं, आप अकेले काम करना चाह रहे हैं, तो इमीडिएट प्रॉफिट इज समथिंग जो कि आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट प्रॉफिट 20% होता है आपका। 20% का मतलब ये है कि आप अगर 1000 रुपए की चीज कोई किसी को रिकमेंड करते हैं, वो खरीदता है, तो उसमें से आपको 200 रुपया बच रहा होता है, इसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट, ठीक है जी। ये 20% इमीडिएट प्रॉफिट कोई छोटी परसेंटेज नहीं है प्रॉफिट की। अगर आप रिटेल के बिजनेस को देखें तो उसमें बहुत कम फ्रैक्शंस के अंदर आपको पैसे बच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट प्रॉफिट आपको हाई एंड पे मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपको हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आती, हमें मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं आती, हमें एडवर्टीजमेंट की नहीं आती, लॉजिस्टिक की नहीं आती, तो वो सारी कॉस्ट जो सेव हो रही होती है उसकी वजह से आपका इमीडिएट प्रॉफिट हाई हो रहा होता है, और साथ आपकी ओवरऑल अर्निंग जो कि डिफरेंट शेप में आपको मिल रही होती है लाइक बोनसेस, कैश अवार्ड्स और परफॉर्मेंस डिस्काउंट, ये बेसिकली आपकी ज्यादा अर्निंग हो रही होती है। तो 20% इमीडिएट प्रॉफिट को काउंट करने का तरीका ये होता है कि आप कस्टमर प्राइस में से आप ब्रांड पार्टनर प्राइस को माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट है। इसको ही कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप कस्टमर प्राइस जो भी है उसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, डिवाइडेड बाय 100 कर लें, तो आपको आपका जो पैसे बच रहे हैं लैसे 5600 को आप मल्टीप्लाई करें 20 के साथ और डिवाइड करें आप 100 के साथ, जो पैसे बचेंगे वो आपका उस प्रोडक्ट के अंदर इमीडिएट प्रॉफिट होगा। इमीडिएट प्रॉफिट आपको उसी वक्त मिल जाता है जैसे ही आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी को खरीद के देते हैं, ठीक है जी। इमीडिएट प्रॉफिट मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको अकेले काम कर सकते हैं, आप उसको जल्दी से जल्दी इमीडिएट बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मुझे 1000 रुपया चाहिए, ठीक है, और आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, आप क्या करेंगे, आप सिंपली कोशिश करेंगे 1000 रुपया आपने अर्न करना है, तो आप टारगेट करेंगे कि आप 5000 रुपए की चीजें किसी को सेल कर दें, क्योंकि आप 5000 की चीजें सेल करेंगे 20% 1000 बनता है, तो वो आपका 1000 रुपया उसी वक्त बच जाएगा आसान अल्फाज के अंदर।
लेकिन आप जब इमीडिएट प्रॉफिट की बात करते हैं और सेल की बात करते हैं और खुद बेचते हैं चीज किसी को रिकमेंड करते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। ओरिफ्लेम के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टेबल इनकम वाली चीज है और जिसके जरिए आप टाइटल हासिल कर सकते हैं और आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कैश अवार्ड विन कर सकते हैं, रिकग्नाइज हो सकते हैं, वो आपको मिलती है टीम मेकिंग से। यानी कि आप काम करें, इमीडिएट प्रॉफिट पे भी काम करें, लेकिन आप अगर टीम के साथ आगे बढ़ते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा है, आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसलिए में आप एज अ टीम सक्सेसफुल होते हैं। पहला बेनिफिट आप अकेले हासिल कर सकते हो जो कि इमीडिएट प्रॉफिट है। उसके बाद जो कमीशन है उसके लिए आपको टीम चाहिए, बोनसेस के लिए टीम चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए आपको टीम चाहिए। टीम से मुराद है कि आपके लोग, आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना और अपनी तरह के मजीद लोगों को इंडक्ट करना अपने बिजनेस के अंदर, अपनी डाउन लाइन में लेके आना। सो नाउ दैट इज समथिंग जो कि आप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये क्वेश्चंस लेता हूं, उसके बाद हम अपने कमीशन वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस देखने लगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ अभी यहाँ पे। आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, यू डोंट हैव टू वेट, आप अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। मैम सादिया ने एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि फर्स्ट आई वांट टू बी द बेस्ट लीडर फॉर माय डाउनलाइन एंड देन आई वांट टू बी डायरेक्टर। नाउ दैट इज ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग अप्रोच है। इन्होंने लिखा है बेस्ट लीडर बनना, तो बेस्ट लीडर होता है, लीडर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, सब लोगों को, मैं मैम सादी आपको नहीं कह रहा, प्रॉब्ली आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लीडरशिप का पता ही नहीं है क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लीडर क्या होता है। एक लीडर के अंदर मुझे अपने तौर पे, ये मेरी अपनी रिसर्च है जो मैं बता रहा हूं आपको, पर्सनल रिसर्च, कि तीन चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है कि एक लीडर को इंस्पायर करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने लोगों को इंस्पायर कैसे करना है। वो इंस्पायर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कर सकते हैं, अपने कोई स्किल के साथ कर सकते हैं, अपने टेक्निकल स्किल के साथ कर सकते हैं, अपने सॉफ्ट स्किल के साथ कर सकते हैं। वो कोई अपनी, आपकी कोई भी खासियत हो सकती है, वो आपका सच बोलना भी हो सकता है, वो आपकी हक बात करना भी हो सकता है, वो आपकी ब्रेवरी भी हो सकती है। लेकिन एक लीडर के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए वो अपने लोगों को इंस्पायर कर सके। ठीक है, आपकी रेपुटेशन भी हो सकती है। दूसरी चीज, सच बोले अपने लोगों के साथ। एक लीडर कभी भी झूठ नहीं बोलता, अपने लोगों के साथ हमेशा सच बोलता है। एट टाइम्स वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सच नहीं होता, लेकिन एक लीडर जो कि ट्रूली लीडर होता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता अपने लोगों के साथ, उनको हमेशा साफ बात बताता है। अगर वो गलती करता है तो वो गलती मान लेता है कि हाँ जी मेरे से गलती हो गई है, मैं ऐसे नहीं ऐसे सोच रहा था, इंसान हूं, गलती हो सकती है, लोग माफ कर देते हैं अगर आप उनसे झूठ नहीं बोलते तो। अगर आप उनको घुमाने की कोशिश नहीं करते ना लोगों को, तो लोग माफ कर देते हैं आपको, छोड़ देते हैं, समझ लेते हैं। तीसरी चीज, एक लीडर अपने लोगों की केयर करता है। अब ये जो केयर करना होता है ना, ये बड़ा एक अजीब सा टर्म है। केयर करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दें, लोगों को खाना देना शुरू कर दें, हर महीने 1,000 रुपया 2,000 रुपया देना शुरू कर दें, ये केयर करना नहीं होता। केयर करना होता है हर पॉसिबल हेल्प करें, सपोर्ट करें उनको। ये नहीं है कि जो वो कहते हैं मानते जाओ जी, अब केयर है, जिस दिन इनकार किया तो केयर खत्म है। एक लीडर बेहतरी लाने की कोशिश करता है। तो ये तीन ट्राइट्स हैं, ये तीन खासियतें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है किसी भी लीडर में होती बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लीडर होता है ना, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो टीम के बारे में सोचता है। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ बेस्ट लीडर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली जी। अच्छा, इसके बाद हम ये एग्जांपल देखते हैं, वापस आते हैं जी के एग्जांपल आपके पास क्या है। ये देखिएगा, एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत आ रही है 3,500, जिसमें से 700 रुपया इमीडिएट प्रॉफिट है और आपको वो पड़ेगी 2,800 की।
कैटलॉग में जो प्राइस है अगर वो लेस से 3500 है तो आप जो प्रिंटेड प्राइस है उसके ऊपर जो टैग लगा होगा वो 3500 का होगा, लेकिन आपको 2500 की पड़ेगी, आपको 700 रुपया उसके अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, अगर हम सेट की बात करते हैं तो जितने ज्यादा सेट होगा, जितनी ज्यादा हाई कीमत होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर इमीडिएट प्रॉफिट है। देखिएगा, अगर आपने अपना इमीडिएट प्रॉफिट ज्यादा करना है तो ऑफकोर्स आप सेल ज्यादा कर लें, जितने ज्यादा सेट होंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लेस से ज्यादा सेट बेचते हैं 20 सेट ज्यादा इनकम है, एक सेट के पीछे आपको 2500 रुपया बच रहा है, 10 सेट के पीछे 25,000 हो जाएगा, 20 सेट के पीछे वो 50,000 हो जाएगा। और अपने माइंड में ये रखिएगा कि पाकिस्तान में आपकी प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर हैं अगर आपको सेल करना आता है तो। इस ट्रेनिंग में हम सेलिंग को भी देख रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं अपने दूसरे पार्ट को, परफॉर्मेंस डिस्काउंट को। ये जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं 4 वेज ऑफ अर्निंग लिखे हुए हैं, पहले वे के अलावा बाकी सारे वेज के अंदर आपको टीम चाहिए, लोगों के साथ आगे बढ़ना आपने। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं वो क्या होती है, ब्रीफली बता रहा हूँ, फिर इसको हम बाद में कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। अगर आपके पास कैटलॉग है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपना इमीडिएट प्रॉफिट देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रीफली डिटेल बता रहा हूँ, कैलकुलेट करना आपको बाद में सिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखिएगा जी, यहाँ पे आ रहा है जी एक वेबसाइट लिखी pk.oriflame.com, हमारी वेबसाइट है ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है जिसमें आपको सारी प्रोडक्ट्स और कंप्लेन का तरीका और इन्फॉर्मेशन जानना है। जैसे अभी मैंने करंट मंथ ऑफर पे क्लिक किया है, इस मंथ की सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई। एक टर्म अगर आप ओरिफ्लेम के मेंबर हैं तो आप बार बार सुनेंगे बीपी की, बीपी स्टैंड्स फॉर बोनस पॉइंट। ठीक है जी, बीपी स्टैंड्स फॉर बोनस पॉइंट। ये देखिएगा, ये हमारे पास कैटलॉग है, आप समझ लें इस क्वार्टर की कैटलॉग है। नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे पास एक डिफरेंट कैटलॉग आ जाएगी, नई कैटलॉग आ जाएगी, 3 मंथ्स में कैटलॉग चेंज होती है। इस वक्त आप इस कैटलॉग को देख रहे हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करने लगा हूं और साथ साथ मैं आपको कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट दिखाने लगा हूं। जरा देखिएगा, मैं इसको जूम इन कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि नजर आए क्लियर। अभी देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये साथ इसका कोड लिखा हुआ है, शेड का और बाकी चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे इसकी प्राइस भी लिखी हुई है। दोबारा मैं जरा थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि हम प्राइस की तरफ जाएं और फिर इसको जूम इन करके दोबारा देखें। ये देखिएगा, यहाँ पे ये प्राइस लिखी हुआ आ रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे 7 बीपी लिखे हुए आ रहे हैं। आई होप आप देख सकते हैं, प्राइस के साथ बीपी लिखे हुए आ रहे हैं। अब ये जो बीपी लिखे हुए आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ बीपीज लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इमीडिएट प्रॉफिट तो मिलता है लेकिन साथ साथ आपको बीपी भी मिलते हैं, बोनस पॉइंट्स। अब ओरिफ्लेम में जब हम कमीशन की बात करते हैं, जब हम बोनस की बात करते हैं, टाइटल्स की बात करते हैं, रिकग्निशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की बात करते हैं, तो जो बीपी होता है ना, दैट इज समथिंग जो कि ये सब चीजें डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, देखिएगा, अब मैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूं वापस। आई होप आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है। ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक बीपी की, कि ये एक प्रोडक्ट है जिसके 11 बीपीज हैं। इसी तरह अगर एक सेट है वो जितनी ज्यादा कीमत की होगी उतने ज्यादा बीपीज होंगे। अगर हम टैक्सेस निकाल दें गवर्नमेंट के टैक्सेस ना आपको मिलते हैं ना हमें मिलते हैं, वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। ठीक है, और ओरिफ्लेम एथिकल कंपनी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अबाइड बाय करती है, तो हम वो टैक्स रेगुलर पे करते हैं। तो आप टैक्स वो पे कर रहे होते हैं, आप भी और हम भी पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो बीपी होते हैं अगर इसमें से टैक्स निकाल दें तो एक बीपी की वैल्यू होती है 63 रुपीज, आज के टाइम के मुताबिक 63 रुपए, 63 रुपीज का बीपी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6300 रुपए प्लस टैक्स की चीजें लेंगे तो आपके पास 100 बीपी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है एक और पॉइंट, फिर मैं आगे की तरफ चलूंगा। ये पॉइंट होर से सुनिएगा अगर आप नए हैं तो।
आपको मैंने बताया है, कोई भी चीज आप खरीदते हैं अपने कोड के ऊपर या किसी को रिकमेंड करते हैं, आप खरीद रहे हैं, आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है, साथ साथ आपको बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। इमीडिएट प्रॉफिट आपको सिर्फ अपना मिलता है, जबकि बोनस पॉइंट आपको आपकी टीम के भी मिल रहे होते हैं। हर वो शख्स जो कि आपकी ट्रिगर्ड की हुई चेन से कनेक्ट हो रहा है, उसका बीपी आपको भी मिल जाएगा। मैं एक शख्स को रिक्रूट करता हूं और वो आगे एक शख्स को रिक्रूट करता है, और वो नया शख्स जो कि सेकंड लेवल के ऊपर है मेरे, अगर कोई चीज परचेज करेगा इमीडिएट प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर उसको 10 बीपी मिले हैं तो वो उसकी अपलाइन को भी मिलेंगे और उसकी अपलाइन की अपलाइन जो कि मैं हूं मुझे भी मिल जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ बीपीस आपका लेवल डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। जरा देखिएगा, ये आपका लेवल डिसाइड करते हैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी इस तरह। अब ये टोटल बीपी जोन से हैं, ये जितने ज्यादा आपके होंगे उतना आपका लेवल हाई होगा, और ये जो लेवल होता है एक्चुअली इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। मतलब ये कि ये आपकी कमीशन का लेवल होता है। ये जो आप टाइटल देख रहे होते हैं ना, 3%, 6%, 12%, 21% सीनियर मैनेजर, ये सारे कमीशन की परसेंटेजेस हैं बेसिकली, इसलिए हम इसको कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। अगर आपके और आपकी टीम के सारों के बीपी मिला के 6000 हो जाते हैं तो आपका टाइटल हो जाता है 15%। इसका मतलब ये हुआ कि आप अप टू 15% कमीशन अर्न कर सकते हैं। कमीशन सिर्फ आपको आपकी फर्स्ट लाइन से मिलता है, बीपी आपको सबके मिल जाते हैं, लेकिन कमीशन आपको सिर्फ अपनी फर्स्ट लाइन से मिलता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं सिर्फ, अभी आप इसको कैलकुलेट मत कीजिएगा। अगर एक शख्स मेरे पास है डायरेक्ट मेंबर और उसके पास आगे एक टीम बनी हुई है 10-15 लोगों की, और वो सारे लोग 30 डेज के अंदर मिल के 1 लाख रुपए की चीजें बेचते हैं, अब वो जो मेरे पास डायरेक्ट शख्स है उसने वो 1 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट किया है, मेरा टाइटल अगर 15% है तो मुझे उसकी इनकम का 15% मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको भी मैं, इसको आप 500 रुपया कह लें, 1000 रुपया कह लें, अगर उसने जनरेट किया जो भी अमाउंट होगी आपको उसका 15% मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे सीखने वाला है ना, वो ये है कि जो कमीशन होता है वो आपको आपके और आपकी फर्स्ट लाइन के लेवल का डिफरेंस मिलता है। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक शख्स की एग्जांपल है, एक ब्रांड पार्टनर की एग्जांपल है, जो कि 200 बीपी उसने अपने किए हुए और उसके पास 5 लोग हैं, सबने 200 बीपी किए हुए, टोटल बीपी कितने हो गए 1200। 1200 बीपी हो गए तो इसका मतलब है कि उसका टाइटल क्या हो गया जी, 9%। ये आप देख सकते हैं 1200 पे 9% हो जाता है। अब ये 9% तक कमीशन अर्न कर सकता है, लेकिन कमीशन 9% तक कैसे अर्न कर सकता है अगर इसकी फर्स्ट लाइन में कोई 0% पे होगा तो, अगर 3% पे हुआ तो वो 6% अर्न कर सकता है। ये मतलब ये आपको कमीशन, पहली बात ये कि आपकी सिर्फ फर्स्ट लाइन से मिलता है, बीपी सबके मिल जाते हैं, कमीशन सिर्फ फर्स्ट लाइन से मिलता है, रोल उसमें सबका होता है, लेकिन आपको जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ फर्स्ट लाइन वाले शख्स से मिलते हैं। तो लिहाजा अपनी फर्स्ट लाइन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हमेशा आपको बेनिफिट होता है कमीशन की शक्ल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शख्स है जो कि बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वो 6% टाइटल पे आ जाता है, मैं उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर हूं और मेरा टाइटल है 9%। अब जो मेरे पास वो शख्स है वो 6% पे है, तो मुझे उसके बिजनेस में से 9-6 3% मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक और शख्स है जो कि 0% पे है तो 9-0 उसके ऊपर मुझे उसका पूरा का पूरा 9% मिल जाएगा। अगर 3% पे है तो 9-3 मुझे 6% मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है, और ये इसकी एग्जांपल अब आपको नजर आ रही है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखिएगा आपके पास 1200 बीपी से आप
9% पे आ गए, सबके बीपी काउंट हो गया, आपके अपने बीपी काउंट हो गया, आपका टाइटल बन गया 9%। अब बाकी जिन्होंने 200 बीपी किए थे वो सारे 3-3% वाले हैं एज पर दैट टेबल जो मैंने आपको दिखाया है। तो 9-3 6% आपको सबसे मिल जाएगा, 6% इन लोगों से मिल जाएगा। ये ऐसे कैलकुलेट होता है कुछ, अगर हम 63 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा देखिएगा ये कमीशन बनता है जी टोटल आपका इन लोगों से। ठीक है, ये 5 लोग हैं, ये आपका कमीशन इस लिहाज से बन रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ जी। अब ये है जी कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका, जो कि हम फ्रॉम टाइम टू टाइम सीखेंगे भी और हम इसको देखेंगे भी। अभी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ बोनसेस के बारे में। कमीशन आपको आपके टाइटल का और आपकी फर्स्ट लाइन का डिफरेंस मिलता है, कैलकुलेट करना मैं आपको सेपरेटली सिखाऊंगा, कैलकुलेटर मिलके सीखेंगे इसको ताकि आपको वंस एंड फॉर ऑल समझ आ जाए। लेकिन अगर आपने अपना कमीशन ज्यादा करना है तो अपनी फर्स्ट लाइन में लोगों को ज्यादा करें। अगर आपके पास एक ही शख्स होगा जो काम कर रहा होगा, सिर्फ एक शख्स से आपको कमीशन मिल रहा है। अगर दो होंगे दो से मिलेंगे, 25 होंगे तो 25 से कमीशन मिलेगा। तो लिहाजा फर्स्ट लाइन में ज्यादा लोग होंगे, कमीशन ज्यादा होगा। अब हम आते हैं तीसरे बेनिफिट की तरफ जो कि बोनसेस का। ओरिफ्लेम में आपको डिफरेंस मिलता है ऑफ द लेवल आपकी फर्स्ट लाइन से कमीशन की शक्ल में। और अगर आपने कमीशन को क्वालिफाई करना है, उसके दो टर्म्स हैं याद रखिएगा, एक आप 100 बीपी करें, दूसरा आप डिफॉल्ट पे ना आए। मतलब ये कि आपका और आपकी डाउनलाइन में जो शख्स है उसका लेवल का एक डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप 18% पे आपकी फर्स्ट लाइन में भी एक शख्स 18 पे आ जाता है तो आपका कमीशन 18-18 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आप डिफॉल्ट पे आ गए। ओरिफ्लेम में कमीशन का पीडी लेवल हम इसको कहते हैं, 21% से ऊपर कोई पीडी लेवल नहीं है। यानी कि अगर एक शख्स 21% पे आ जाता है आपकी डाउनलाइन में और आप भी 21 पे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इससे ऊपर तो लेवल है ही कोई नहीं, तो आप मूव नहीं कर सकेंगे। अब आप लेवल ऑफ डिफरेंस नहीं मेंटेन कर सकते। तो 21 लेवल पे अगर आपके पास कोई शख्स आ जाता है, यानी कि सीनियर मैनेजर है आप और आपके पास एक सीनियर मैनेजर आ जाता है, तो अब आप उससे कमीशन नहीं हासिल कर सकते बल्कि आप उससे बोनस हासिल कर सकते हैं। ओरिफ्लेम में 6 तरह के मुख्तलिफ बोनसेस हैं, 6 तरह के, और मैं आपको इसके बारे में इंशाल्लाह कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। हमारे पास अब गोल्ड क्लब भी स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया कीजिएगा उसको जरूर, बहुत उसके अंदर एक्सटेंसिव लेवल पे सेशंस भी होंगे, प्लानिंग्स होंगी। ठीक है, 31 मार्च लास्ट डेट है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। लेकिन अगर आपको लगता है ज्वाइन करके आप बस अब आपका काम खत्म हो गया, तो इट्स नॉट दैट, आपका काम स्टार्ट होगा जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको डायरेक्शन मिलती जाएगी आपने करना क्या, और आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगी। तो आपको बता रहा था मैं कि हमारे पास 6 तरह के बोनसेस हैं, और बोनसेस के बारे में एक हकीकत ये है कि बोनसेस की ताकत, बोनसेस के पैसे, बोनसेस की अर्निंग और स्टेबिलिटी वो कमीशन से बहुत ज्यादा है। हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनका कमीशन अगर 1,00,000 रुपए है तो एक एक बोनस उनका 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए तक जाता है बोनस। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि अगर आप लीडर हैं तो आप लीडर्स को डेवलप करें, जितने ज्यादा लीडर्स आएंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। और ये फायदा खाली पैसों का नहीं है, आपकी ग्रूमिंग भी ज्यादा होती है, आपका टाइटल भी हाई होता है, कैरियर में भी आप आगे जाते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेवलिंग को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट कैसे आते हैं, जब आप लोगों को, लोगों पर काम करते हैं, उनकी मोटिवेशन पे काम करते हैं, आप लीडर्स बनाते हैं आम लोगों को, जिनको नहीं पता होता लीडरशिप की, आप उनको बताते हैं, जितने ज्यादा वो आगे जाएंगे उतना ज्यादा आप लोग ग्रो करेंगे। ओरिफ्लेम में 6 तरह के जो हैं वो बोनसेस हैं, अगर आप उनके नाम कहते हैं आपको बता देता हूँ। ओरिफ्लेम बोनस है 4% होता है, गोल्ड बोनस है 1% होता है, सफायर बोनस है 5.50% होता है। ये परसेंटेजेस देख के ना आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 0.50% कितना बनता होगा, ये सफायर बोनस है जो आपको बता रहा हूँ। आप यकीन कीजिएगा मैंने अपनी आंखों से लोगों का लाखों में सफायर बोनस आते हुए देखा है, 0.50 वाला जो होता है। फिर उसके बाद डायमंड बोनस होता है,
ठीक है, जो कि आपको होता है जी 0.25%, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डायमंड बोनस, सफायर बोनस। सबसे पहले आपका आ गया जी, ऐसे देखिएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 4% आपका ओरिफ्लेम बोनस आ गया, गोल्ड बोनस 1% आ गया, सफायर बोनस 0.50% आ गया, फिर आ गया आपका डायमंड बोनस 0.25% आ गया, फिर आ गया आपका डबल डायमंड बोनस जो कि आपका बनता है 0.125%, फिर आ जाता है आपका एग्जेक्टिव बोनस 6, वो बनता है 0.6067% करके कुछ। अब वंस अगेन ये इतनी छोटी छोटी परसेंटेजेस हैं, लेकिन ये लाखों में आपको अर्निंग दे रही होती है। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, इसमें आपकी इनकम आपकी सोच ज्यादा होती है। ये हमारे पास सक्सेस लेटर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जितने ज्यादा फर्स्ट लाइन में लोग आते हैं और जितने ज्यादा उनमें से लीडर कन्वर्ट हो जाते हैं, उतना ही ज्यादा आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, अगर आपने डायरेक्टर बनना है आपको 10,000 बीपी चाहिए और आपने 6 महीने मेंटेन करना होता है आउट ऑफ 12 मंथ्स। लेकिन ये साल आपको पता है ब्लेसिंग्स का साल है, इसके अंदर आप लोग अगर 3 मंथ्स आउट ऑफ 6 मंथ्स मेंटेन कर लेते हैं अपना सीनियर मैनेजर टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग ना सिर्फ डायरेक्टर टाइटल हासिल करते हैं बल्कि आपका कैश अवार्ड 1,00,000 रुपए नॉर्मली होता है, इस पे आपको 110% कैश अवार्ड 2 हिस्सों में मिलता है, यानी कि आपको 50,000 नहीं 55,000 रुपए मिलेगा साथ। फिर आप दोबारा 3 महीने अपने कंप्लीट करके बाकी का 55,000 भी ले सकते हैं, तो 10,000 एक्स्ट्रा भी है प्लस डबल स्पीड है, यानी कि आप डायरेक्टर पहले बन जाते हैं और कैश अवार्ड भी आपको 3 महीने बाद मिल जाता है। तो इसी तरह गोल्ड है, उसमें आपके 2 सीनियर मैनेजर होंगे वो मेंटेन करें, फिर सीनियर गोल्ड के अंदर आपके पास 3 होने चाहिए, सफायर में आपके पास 4 होने चाहिए, फर्स्ट लाइन के अंदर सीनियर मैनेजर्स, इस तरीके से आपकी डेवलपमेंट होती है और इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिहाजा काम करने वाले लोग जो कि मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो काम तब करेंगे जब आप उनकी मोटिवेशन को मद्देनजर रखेंगे, जब आप उनकी मोटिवेशन के ऊपर आप उनकी बात सुनेंगे, उनके लिए प्लानिंग करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने लिए प्लानिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा अरसा नहीं चलेगा और लोग जो उनसे हैं वो बेसिकली आपके सामने है कि वो उस तरीके से अपना इंटरेस्ट भी नहीं शो करेंगे, क्योंकि अपने लिए लोग, हर शख्स चाहता है उसके लिए बेहतरी आए। आप अपना छोड़ के इफ यू आर अ लीडर तो आप लोगों के सक्सेस की बात करें, आप ज्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होंगे इससे, ठीक है जी। चलें जी, जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का और आपके टाइम का एंड फॉर लिसनिंग टू मी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा। मैम सादिया, मैम हिफ्जा, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करेगा। साफ नीयत के साथ काम करें, चीजें सीख के करें और मेहनत करें, आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा 12 बजे और 3 बजे, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।